उमर रियाज को नेपो किड बताने पर भड़की देवोलीना भट्टाचार्य। बिग बॉस 15 का आगाज हो चुका है। बिग बॉस 15 में आसिम रियाज के बड़े भाई उमर रियाज ने भी हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आसिम के बड़े भाई उमर रियाज को बिग बॉस में देखने के बाद लोग उमर रियाज को नेपो किड बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि आसिम की वजह से उमर रियाज को बिग बॉस में जाने का मौका मिला। अब इसी पर देवोलीना भट्टाचार्य का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है, व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन उमर रियाज बी अ नेपो किड, कुछ भी मतलब, इन द होल लॉट आई कैन सी ओनली one who can seem privileged and should be grateful to be part of Big Boss 15 again. That too without much contributing in the past. Rest all seems interesting. देवोलीना भट्टाचार्य जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आसिम रियाज और उमर रियाज का कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। आसिम रियाज ने कई साल तक स्ट्रगल किया, फिर वो बिग बॉस में आए और बिग बॉस में ऐसे ही वो फाइनलिस्ट नहीं बने, क्योंकि उनमें वो बात थी, इसीलिए दर्शकों ने उनको प्यार दिया और वो फाइनलिस्ट बने। जिस वक्त आसिम रियाज बिग बॉस में थे, बाहर उमर रियाज उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे अपने भाई को, और उमर जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और जिस तरीके से वो उभर के सामने आए, उसी वजह से बिग बॉस 15 में उनको बुलाया गया। तो यहाँ पर जो नेपो किड वगैरह कहना है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें कहनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है, आप मेरी बातों से और देवोलीना की बातों से सहमत है या फिर नहीं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड झंडू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।